हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार लखेरा कल आपके लिए डीसी जनरेटर में जो मैंने पॉइंट पढ़ाया था उसका नाम है दोस्तों डीसी जनरेटर की दक्षता। अब बताओ दक्षता कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। एक तो होती है व्यापारिक दक्षता, एक होती है यांत्रिक दक्षता और एक होती है विद्युत दक्षता। अब बताओ कल मैंने याद करने की आपको ट्रिक भी बताई थी और तीनों दक्षता आपको याद भी होगी होगी, ठीक है ना दोस्तों? हो गई ना याद? अब जो दोस्त जो मेरे स्टूडेंट है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको डेली की डेली सुबह मॉर्निंग में 7 बजे नई क्लास का न्यू क्लास का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है दोस्तों? अब देखिएगा जो नया स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कुछ सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। और आज जितने भी स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पुराने हैं, जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, वो लड़के समझ में आ रहा है ना? और आज सबसे खतरनाक जो डीसी जनरेटर का पॉइंट वो चलने वाला है जो बहुत कम लोगों के समझ में आता है और हर एग्जाम में क्वेश्चन भी जरूर जरूर से आता है। इसलिए दोस्तों जाना नहीं है कहीं भी, पूरी वीडियो देखनी है, एक एक चीज समझना है, बारीकी पे ध्यान देना है और कुछ अलग नहीं बनाऊं। अरे कुछ एक एक चीज इसकी अगर नहीं खोलूं तो बोल देना मेरे से, समझ गए ना दोस्तों? अच्छे से समझना, अच्छे लेवल से पढ़ाऊंगा। अब देखिएगा कल मैंने आपको डीसी जनरेटर की दक्षता पढ़ाई थी और डीसी जनरेटर काफ़ी टाइम्स क्लास चल गई थी, बहुत लंबी क्लास हो गई थी अधिकतम दक्षता के लिए। इसलिए एक क्वेश्चन रह गया था, मैंने सोचा इसमें इनको पढ़ाना पड़ेगा, ये तो टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, फिर लंबी वीडियो को बहुत से स्टूडेंट देखते भी नहीं है। अब भी यही हाल है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं वीडियो को ओपन करा देखते ही नहीं है, जाए बाहर में है कि नहीं। अरे ऐसे मत करो, आप जब पढ़ ही रहे हो तो पूरी क्लास को पढ़ो, मतलब एक नॉलेज के रूप में पढ़ो कि इसके पास अलग से क्या है और जहाँ भी ज्ञान मिल रहा है, जो भी मिल रहा है आपको उसको एकत्रित कर लो, समझ में आया कि नहीं? अपने नोट्सों को बनाओ क्योंकि ये टाइम ऐसा है, गोल्डन टाइम है। आगे जो भी अब मेहनत करोगे ना आप, जितनी भी किसी भी क्षेत्र के अंदर जो अब मेहनत करोगे ना छुट्टियों में, तो समझ लो उसका रंग आपको आने वाली भर्तियों में मिलेगा, समझ गए? और जो इस टाइम को बिगाड़ रहा है उसको देखना कितना लॉस होता है। जब वैकेंसी आती है, जब पढ़ते ना, जब तैयारी नहीं होती है, जब तो समझ लो एक आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो कि 10-10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, कुछ मतलब नहीं है। पढ़ना है तो टाइम से पहले पढ़ो, तब तो बाद में तो रिविजन का टाइम होता है, ठीक है दोस्तों? आज जाना नहीं है, पूरी वीडियो देखनी है और कल की दक्षता का जो कोई क्वेश्चन रह गया था उसको और करा रहा हूँ। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, मैं जाने कितनी बार बोलूँगा आपसे, बार बार बोलूंगा कि आने वाली एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों। अब देखिएगा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। ये 4-3 ऑप्शन है, ए बी सी, और ऑप्शन नंबर 3rd है, 4th है इसका, डी कोई नहीं, बस इतना सा बनाया है। अब ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो के पेपर में आ चुका है, दिल्ली मेट्रो 2018 के पेपर में, जयन के पेपर में आया था ये डीएमआरसी में। अब ऐसे मत सोचा करो आप लोग कि ये जयन का है, हम आईटीआई वाले तैयारी कर रहे हैं, नहीं दोस्तों, है तो ये फॉर्मूला ही है, कोई इसमें भेद थोड़ी ना है। जो जयन का न्यूमेरिकल हो सकता है, न्यूमेरिकल से कह सकते हो भाई समझ में कम आया, ये तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, इससे समझना है। क्वेश्चन क्या है कि अधिकतम दक्षता पर, किस पर दोस्तों? अधिकतम दक्षता पर, आराम से देखो, अधिकतम दक्षता पर, सही है ना? अधिकतम दक्षता पर, अरे सही है ना? अधिकतम दक्षता पर डीसी जनरेटर में, जनरेटर में लोड धारा, कौन सी धारा? लोड धारा क्या होगी? ऐसे आ रहा है, लोड धारा क्या होगी, क्वेश्चन है ये, समझ गए? इस पॉइंट को नहीं लेना, ये तो बाद का पॉइंट है, ठीक है? अब देखिएगा, अब है, चलो एक और बना देते हैं। लड़का बोल रहा है कि गुरुजी एक और बनाइएगा आप, तो देखो एक और बना देता हूँ मैं। देखो IL बराबर होता है, बहुत से क्वेश्चन, बहुत से लड़के रहते हैं ना उनके लिए बिल्कुल ऐसा चाहिए, सेम टू सेम स्थिर हानि, देख लीजिएगा थोड़ा दिख तो रहा है ना, स्थिर हानि बटे आर्मेचर प्रतिरोध, बटे क्या है? आर्मेचर प्रतिरोध, ये है आर्मेचर, क्या है? प्रतिरोध, ये फॉर्मूला है।
सही है ना। अब इसमें से आपको एक छांटना है कि डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता पर, डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता पर, यानी कि अधिकतम दक्षता में, अधिकतम दक्षता पर डीसी जनरेटर में लोड धारा क्या होगी, सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है आने वाली एग्जाम के लिए, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। काफ़ी लड़के कन्फ्यूज होंगे इसके अंदर, क्यों क्यों होते, कारण क्या है, क्योंकि उनका बेस क्लियर नहीं होता है। अब देखिएगा, अब मेरे को आप लोग कल आज बताइएगा, कल मैंने बताया था कि डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता होती है ना, क्या होती है अधिकतम दक्षता, तो डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता कब होगी, जब स्थिर हानि बराबर परिवर्तित हानि, यानी स्थिर हानि का मान परिवर्तित हानि के बराबर हो जाता है। अब देखो बताना दोस्तों, देखो स्थिर हानि, आराम से चलने दो, स्थिर हानि कौन सी हानि, स्थिर हानि देखो आराम से, स्थिर हानि बराबर परिवर्तित हानि, बोलो क्लियर है ना, स्थिर हानि बराबर परिवर्तित हानि, बोलो समझ में आ गया ना। जब डीसी जनरेटर के अंदर स्थिर हानि का मान परिवर्तित हानि के बराबर हो जाता है तो डीसी जनरेटर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है, बोलो यहाँ तक कल मैंने समझ में आ गया। जो नए स्टूडेंट है आप दो चार मिनट रुको, नया पॉइंट ये चलेगा जब मैं समझाऊंगा, लेकिन फिर भी इसमें आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे अधिकतम दक्षता पर क्या होता है, स्थिर हानि बराबर परिवर्तित हानि। अब यहाँ क्या होता है कि स्थिर हानि, अब देखो इसको और खोल रहा हूँ मैं, स्थिर हानि सही है ना, स्थिर हानि बराबर परिवर्तित हानि, और परिवर्तित जो हानि होती है वो होती है आर्मेचर ताम्र हानि, कौन सी होती है, आर्मेचर ताम्र हानि, यही होती है ना, आर्मेचर ताम्र हानि, सही है ना। अब देखो स्थिर हानि, तो स्थिर हानि को तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख सकता हूँ ना, देखो पावर कांस्टेंट पावर, यानी कि स्थिर हानि कांस्टेंट पावर हो गई ना, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। अब देखो स्थिर हानि बराबर आर्मेचर ताम्र हानि, अब ताम्र हानि का फॉर्मूला होता है, ताम्र हानि फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, ये ताम्र हानि का फॉर्मूला होता है और ये स्थिर हानि है ही है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, लेकिन आर्मेचर में है, किस में है, आर्मेचर में, तो आर ए लगा दो आर्मेचर से, यहाँ आई ए लगा दो, बोलो सही बात है कि नहीं, आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध, तो ये हो गया दोस्तों आर्मेचर ताम्र हानि। देखो एक बार और बता रहा हूँ, देखो बताओ ताम्र हानि का फॉर्मूला ये होता है, ताम्र हानि बराबर होती है आई स्क्वायर आर, बोलो ताम्र हानि बराबर क्या होगी, आई स्क्वायर आर होगी, बोलो सही है ना। अब क्या होता है, जब हमारे पास में ताम्र हानि आई स्क्वायर आर है, और किस में पूछ रहा है, अभी आर्मेचर में पूछ रहा है, तो ए से आर्मेचर हो गया, तो आप यहाँ लगा दो आई ए और यहाँ लगा दो आर ए, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, वो लोड धारा, कौन सी धारा पूछ रहा है, यहाँ देखो आप लोग, लोड धारा पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है, लोड धारा, तो जो लोड पर जो करंट आती है ना, वो आर्मेचर में बनने वाली करंट ही लोड पर आती है, बोलो सही है ना। जो जनरेटर के आर्मेचर में जो करंट बनती है ना, वो हमको लोड पर प्राप्त होती है, सही है ना। एक बार और, जो आर्मेचर में जो करंट बनती है ना, वो कहाँ पर प्राप्त होती है हमें, लोड पर प्राप्त होती है, कहाँ पर प्राप्त होती है दोस्तों, लोड पर प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर जो आर्मेचर में करंट बन रही है ना, वो हमें लोड पर प्राप्त हो रही है मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आईए की जगह आईएल भी लिख सकता हूं। जब मेरे पास में ऑप्शन आईए का है नहीं, यहां पर कुछ दे नहीं रखा, तो मुझे मजबूरन ये आईए के स्थान पर आईएल मानना पड़ेगा ना, क्यों, यही करंट लोड पर जाएगी, तो मैंने इसको क्या लिख दिया है, आईएल लिख दिया, सही है ना, क्या लिख दिया, आई एल। अब हमसे पूछ रहा है, वो आई एल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आई एल लोड धारा। अब देखो दोस्तों, मैं लोड धारा इसको अगर मैं बाहर निकालता हूँ, देखो इसको मैं बाहर निकालता हूँ, तो एक रूल होता है, इन दोनों में से कोई भी चीज़ बाहर निकलती है ना गुणा की, तो ये बाहर की चीज़ ऊपर जाती है, बाहर की चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर, तो देखो आई एल IL, हाँ जी समझ में आ रहा है ना, देखो IL का स्क्वायर, IL तो बाहर की चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर जाती है, तो देखो IL का स्क्वायर बटे PC बटे RA, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना। कैसे, देखो अगर IL का स्क्वायर, मुझे लोड करंट ही तो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लोड करंट ही चाहिए बेटा, अब मुझे लोड करंट चाहिए ना, तो अगर मैं IL का स्क्वायर इसको बाहर निकालूंगा, तो बाहर की चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ये समझ में आ रहा है ना, तो देखो बाहर की चीज़ तो ऊपर गई है, और बचा क्या है, देखो RA, ये आ गया। अब मैथ का रूल क्या कहता है, हमें केवल लोड धारा चाहिए, यहाँ लोड धारा का वर्ग आ रहा है,
सही है, हमें तो यहाँ लोड धारा चाहिए, लोड धारा का वर्ग आ रहा है, वर्ग हटाना पड़ेगा। और जब वर्ग हटाते हैं मैथ के नियम अनुसार, अगर वर्ग हटाते हैं ना तो सामने रूट लग जाता है, सामने क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो यहाँ से जब तुम वर्ग हटाओगे ना तो सामने क्या लगेगा दोस्तों, रूट लग जाएगा। सही बात है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार और देखो, बताओ डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता पर होती है स्थिर हानि बराबर आर्मेचर ताम्र हानि। मैंने कल बताया आर्मेचर, देखो स्थिर हानि को मैंने बोल सकता हूँ कांस्टेंट पावर, सही है ना, सही है ना, कांस्टेंट पावर लॉस हो गई ना, पीसी लिख दिया मैंने, शॉर्ट में लिखा है, बस इसको लिखता तो मैं शॉर्ट में लिख दिया है ना। अब देखो ताम्र हानि का फॉर्मूला है, ताम्र हानि का फॉर्मूला है देखो आई स्क्वायर आर, ताम्र हानि का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, ताम्र हानि का क्या फॉर्मूला होता है, आई स्क्वायर आर होता है, सही है ना। अब देखिएगा लेकिन किस में पूछ रहा है, आर्मेचर में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, आर्मेचर में पूछ रहा है, तो आर ए इधर लगा दो, इधर ए लगा दो, सही बात है कि नहीं। तो आर्मेचर में धारा, आर्मेचर में प्रतिरोध हो गया, लेकिन आपसे यहाँ पर लोड धारा के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, लोड धारा के बारे में पूछ रहा है। इसलिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जो आर्मेचर में जो करंट बनती है ना वो हमारे लोड पर प्राप्त होती है, बोलो सही है, और हमसे लोड धारा पूछ रहा है, इसलिए एक स्थान पर हम लोड धारा भी लिख सकते हैं, सूत्र के अनुसार लिखा है। अब आपसे मैं अगर लोड धारा पूछूं, लोड धारा ही क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है, तो लोड धारा का वर्ग इधर आएगा कैसे भाई, अगर ये मैं चीज पूछ रहा हूं तुम लोगों से, है ना, तो बाहर की चीज कहां जाती है, ऊपर जाती है। तो देखो पीसी बटे आर ए हो गया, पीसी बटे क्या हो गया, आर ए, बाहर की चीज कहां जाती है दोस्तों, ऊपर जाती है, सही है ना। अब देखो आर ए आई एल का स्क्वायर पूछ रहा हूं तुमसे, इसको बाहर लोगे ना तो ये बाहर की चीज कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। तो देखो बाहर की चीज ऊपर गई, पीसी बचा क्या है दोस्तों, आर ए। अब तुम्हें चाहिए आई एल, क्या चाहिए दोस्तों, आई एल, तो वर्ग हटा दो और सामने संख्या पे क्या लगा दो मेरे दोस्तों, लोड लगा दो, बोलो सही है ना। अब बताओ पीसी का मतलब होता है स्थिर हानि, पीसी का मतलब होता है स्थिर हानि, पीसी का मतलब होता है स्थिर हानि, और आर ए का मतलब होता है आर्मेचर का प्रतिरोध, आर ए का मतलब होता है आर्मेचर प्रतिरोध, आर ए का मतलब क्या होता है, आर्मेचर प्रतिरोध, सही दिख रहा है ना। अब बताओ, अब ये तुम्हारे देखो पीसी का मतलब होता है स्थिर हानि, आर ए का मतलब होता है आर्मेचर प्रतिरोध, तो बताओ अधिकतम दक्षता पर आई एल बराबर होगा स्थिर हानि बटे आर्मेचर का प्रतिरोध। तो बताओ देखो स्थिर हानि बटे आर्मेचर का प्रतिरोध, बोलो तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो दोस्तों स्थिर हानि बटे आर्मेचर का प्रतिरोध, बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है बस, और आने वाली एग्जाम में आपके जरूर जरूर से ये मोस्ट बनता है, काफी लड़के इसको गलत करेंगे, बोलो समझ में आया ना। तो बताओ आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा दोस्तों देखो स्थिर हानि बटे आर्मेचर का प्रतिरोध, आंसर क्या होगा इसमें, सी होगा। क्वेश्चन क्या है, अधिकतम दक्षता पर डीसी जनरेटर में लोड धारा क्या होगी, लोड धारा क्या होगी, बोलो समझ में आ रहा है ना, लोड धारा क्या होगी, बोलो क्लियर हो रहा है ना, फटाफट इसी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये भी पता पड़ेगा ये क्यों कहाँ से आया, सबका स्क्रीनशॉट ले लो, जब ही तो पता पड़ेगा ना आपको, फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ जी बोलो ले लिया ना, समझ में आ गया ना। अब देखो अब इसके बाद में मैं आज जो सबसे मेन पॉइंट बताने वाला हूँ, प्लीज़ सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कहीं नहीं जाइएगा, आज की पूरी क्लास लेना जो स्टूडेंट नया देख रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो आपके दोस्त हैं जो भी फ्रेंड है, इस वीडियो को उनको ज़रूर ज़रूर से बताएं कि देख भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं और अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। अब एक बात बताता हूँ, देखो मैंने कई चीज़ें देखा है, कई चीज़ें देखी है, आप लोग क्या कर रहे हो कि पूरा चैप्टर डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर के बारे में आपने कुछ पढ़ा नहीं है, और पांच पन्ने में आपने वो रिकॉर्ड कर लिया, आपका एक चैप्टर आपको पांच पन्ने में पढ़ा दिया। अब क्या करते हो आप लोग, अधूरा ज्ञान लिया है जबकि किताब में 40-50 पन्ने में होता है, और तुमने ये दो दिन में जनरेटर पूरा कर लिया। अब तुम क्या करते हो, उस जनरेटर के पांच पन्नों को याद करके अपने आप को भगवान मानने लगते हो, और जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो तुम बोलते हो कि पेपर टफ आया है,
पेपर टफ नहीं है दोस्तों, आपका बेस क्लियर कम है, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, फिर लड़के क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का तो लड़का ये होता है, दूसरी टाइप के जो लड़के होते हैं वो क्या कर रहे हैं, पांच पन्नों में जनरेटर पूरा करके और फिर अदर बुकों को पढ़ते रहते हैं, एग्जाम की ओल्ड पेपरों को। ओल्ड पेपर मैं बताता हूं, ओल्ड पेपर होते हैं, ओल्ड एग्जाम के पेपर होते हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में लगे होते हैं। मान लो डीसी जनरेटर में आपको 300 क्वेश्चन मिल गए, कितने मिल गए 300, तो यार एक बात बताता हूं, जो 300 क्वेश्चन मिले डीसी जनरेटर के, जो पुरानी एग्जामों में आए, उस चैप्टर के अंदर तुम बुक खरीद के लेके आए हो पुरानी एग्जामों के, और उसमें 300 क्वेश्चन है, तो तुमको ज्ञान तो है नहीं है। हाँ, तुम यही नहीं पता आपको कि पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना, कैसे तैयारी होती है, तुम्हारा चैप्टर के बारे में बेस क्लियर नहीं है आपका, और आप क्या करने में लग रहे हो, कुछ चार पांच पन्ने में डीसी जनरेटर कंप्लीट करके आप उस किताब को पढ़ने में लग रहे हो, फिर उस किताब के अंदर नए नए क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम के अंदर आए, तुम्हारा बेस क्लियर नहीं है, तुम्हें वहां पर हर क्वेश्चन नया लगेगा, अरे यार वास्तव में इसमें तो नए नए क्वेश्चन है, नए नए तो लग नहीं है, क्यों नए नए लगेंगे, क्योंकि आपने ये पढ़ा ही नहीं, वो तो नया लगना ही है, वहां पर आपने कभी देखा नहीं तो वो तो नया लगना ही है, तुमको पेपर में क्वेश्चन, वो पेपर वाली बुक के क्वेश्चन। अब क्या करते हो, तुम उनको रट कर ले जाते हो और क्या कहते हो, अरे यार मैंने डीसी जनरेटर के 300 क्वेश्चन कर गए रे, अब देख पेपर है फोड़ूंगा मैं, कहीं से आ जा जनरेटर। अरे पागल मत बनो, वो क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आए हैं, और ध्यान रखना पुराने जो मॉडल पेपर होते हैं उसमें से ज्यादा 30-40% ही क्वेश्चन के रिवाइज होते हैं, ओल्ड पेपरों के इससे ज्यादा नहीं होते हैं, तो तुम उसकी तैयारी कर रहे हो जो 25-30-40% क्वेश्चन आएंगे, उन बुकों को, इतनी मोटी मोटी बुकों को पढ़ने में लग रहे हो, जबकि जो पेपर 70-80% जो पेपर जहां से सेट होता है, पूरा बेस, पूरी बुक का जो चैप्टर, जो पूरा पेपर सेट होगा ना, उसमें से तो तुमने बस 5 पन्ने पढ़े हैं। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? अरे आप जागो, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं कितना डेली की डेली चिल्ला रहा हूँ, आप जागना पड़ेगा आपको, समझ में आया ना? आप खुद सोचो मैंने सही बात कही कि नहीं कही। अरे आप उनको पढ़ने में लग रहे हो जो पुरानी एग्जाम के क्वेश्चन है, चाहे 400 हो चाहे 500 क्वेश्चन हो, उनको पढ़ने लग रहे हो, और पुराने पेपरों में तो मेरे दोस्त 30-40% से ज़्यादा कहाँ आ गए, कौन से पेपर में आ गए, तुम तो मुझे ये बताओ। कोई सा पेपर उठा लो आप यार, 30-40% से ज़्यादा नहीं आते हैं ओल्ड पेपर, जब तुम पढ़ोगे तो कोई सा जो सर हैं, जो बड़ी से बड़ी तैयारी कर रहे हैं, जो आपका भैया है, उसे पूछना ओल्ड पेपरों में से क्वेश्चन कितने आते हैं, 90% थोड़ी आ जाएंगे। जब 30-40%, तो तुम 30-40% में दिन रात एक कर रहे हो और कह रहे हो मैंने हर पेपर का 400-400 क्वेश्चन, मैंने हर चैप्टर के मुझे याद है। अरे तुमने याद वो करें क्या क्या याद करें, तुम्हें पता है तुम्हारे पुराने ओल्ड पेपरों के क्वेश्चन जो 30-40% आएंगे, फिर तो मेरिट क्या सिलेक्शन हो सकता है क्या तुम्हारा? यही तुम्हारा कारण है वीकनेस, और तुम जहां रह रहे हो, जहां तुम सिलेक्शन से वंचित रह रहे हो, इतनी किताबें पढ़ ली तुमने, जब भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसका कारण यही है कि तुम्हारा, तुमने अच्छे से बेस क्लियर करा नहीं, चैप्टर को ढंग से रगड़ा नहीं, तो तुम कैसे सिलेक्शन हो सकता है, तुमसे मैं पूछना चाहता हूं। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले हर पॉइंट के आपके पास में बेस क्लियर होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन का आपके पास में नोट क्लियर होने चाहिए, जब जाके सफलता नहीं मिले तो मैं कहता हूं। एक बात बताओ, जब डीसी जनरेटर आप लोग घोट घोट के पी के जाओगे, एक एक शब्द आपके नोट्स बने होंगे जो मैं बनवा रहा हूं यहां आपको, है, और फिर आप चैप्टर निकालो प्रैक्टिस। भाई ओल्ड पेपर की प्रैक्टिस की जाती है, ना कि उनको याद किया जाता है, तुम उनको यूज कर रहे हो कि वो एग्जाम में सबकी सब आ जाए, ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे बोल रहा हूं, आया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, तुम समझो, तुम्हें जागना पड़ेगा। और जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, पुराने लड़के हैं, उनको सब पता पड़ गया आज मैंने क्या बात बोली है, वो सब जान रहे हैं, आया कि नहीं? इसलिए अच्छे से पढ़ना और अच्छे से आओ। तो देखो दोस्तों, आज का जो पॉइंट है उस वो पॉइंट है, और अपने दोस्तों से ज़रूर बोलना आज के पॉइंट के बारे में, और चैनल के बारे में सब्सक्राइब के लिए बोलो, आया कि नहीं? जब आ ही गया तो इतना प्यार मिल रहा है, तो मुझे और आगे बढ़ाओ आप लोग। तो देखो दोस्तों, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आर्मेचर रिएक्शन। क्या है दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन? सुनो दोस्तों, ये आर्मेचर रिएक्शन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे मस्त पॉइंट है, हाँ ध्यान रखना। तो आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, तो देखिएगा आर्मेचर रिएक्शन, अब आप आते हैं आर्मेचर रिएक्शन पर। देखो आर्मेचर रिएक्शन, देखो आराम से देखना, आर्मेचर रिएक्शन, हाँ जी आर्मेचर रिएक्शन सही है ना? क्या है दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन? इसे बोलते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया। हाँ जी बोलो, क्या बोलोगे? आर्मेचर प्रतिक्रिया, क्या बोलोगे? आर्मेचर प्रतिक्रिया, यही है ना?
क्या बोलोगे? आर्मेचर प्रतिक्रिया, बाद में पढ़ेंगे परिभाषापन, आर्मेचर प्रतिक्रिया यही है ना, आर्मेचर प्रतिक्रिया। अब देखो अब क्या होता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या चीज है, अब देखिएगा मैं इसको परिभाषा को बाद में समझाऊंगा, पहले इसकी अपन डेफिनेशन समझा देते हैं, क्या क्या इसमें डेफिनेशन काम आएगी, क्या क्या चीजें इसमें काम आती है वो सीखना जरूरी है। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, तो देखिएगा ये होती है आर्मेचर प्रतिक्रिया। अब समझो आप लोग क्या होता है कि पहली परिभाषा क्या है, देखो आपसे मैं बताता हूँ, देखो आप यहाँ देखो पहले चित्र को, यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये आर्मेचर होता है, कौन होता है, ये आर्मेचर होता है और ये चुंबक के ध्रुव होते हैं, ये चुंबक के क्या हैं दोस्तों, ध्रुव है। देखो बोर्ड पे अच्छे से देखना आप लोग, ये आर्मेचर है और ये चुंबक के ध्रुव हैं। अब देखिएगा ये आर्मेचर, ये ध्रुवों का ये चुंबकीय फ्लक्स है, ये ध्रुवों का, ये चुंबक के ध्रुवों का चुंबकीय फ्लक्स बना दिया मैंने, बोलो क्या है ये चुंबकीय फ्लक्स, किसके, चुंबक के ध्रुवों का, किसका है दोस्तों, चुंबक के ध्रुवों का, सही है ना, अरे किसका है, चुंबक के ध्रुवों का, ये चुंबकीय फ्लक्स है, सही है ना। अब देखो ये, हाँ अच्छे से देखना, ये ध्रुवों का चुंबकीय फ्लक्स है, देखो ध्रुवों का चुंबकीय फ्लक्स, सही है ना, हाँ जी देखो ध्रुवों का ये चुंबकीय फ्लक्स है, सही है ना, ये किसका फ्लक्स है, ध्रुवों का चुंबकीय फ्लक्स है, ये बीच में आ गया ना अपना, ये आ गया है ना। अब इसे बोलते हैं मेन फ्लक्स, यानी कि मुख्य फ्लक्स, इसे बोला जाता है मुख्य फ्लक्स, इसे क्या बोलोगे दोस्तों, मुख्य फ्लक्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होता है, अब ये, अब देखो एक मिनट बताना, ये आर्मेचर है, क्या है ये आर्मेचर, सही है ना, ये क्या है आर्मेचर। अब एक बात बताओ, जब इस आर्मेचर को घुमाओगे आप लोग, जब इस आर्मेचर को घुमाओगे तो इस आर्मेचर के द्वारा ये चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी, और चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी तो इस आर्मेचर के अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल, बोलो सही है ना, जैसे इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है इस आर्मेचर के अंदर, तो इसमें करंट उत्पन्न हो जाती है जिसको हम लोड के रूप में प्राप्त करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वोल्टेज, क्या होता है वोल्टेज होती है। तो देखो अब जब इस आर्मेचर को आप चुंबक के ध्रुवों के मध्य घुमाएंगे, बोलो सही है ना, जब चुंबक के ध्रुवों के मध्य घुमाएंगे तो इसके द्वारा ये चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी, बोलो सही है ना, जब चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होता है ईएमएफ, क्या उत्पन्न होता है ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। ये क्या चीज है, ये चीज है कि जब चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी ना, जब चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कटेगी तो इससे आर्मेचर बाइंडिंग से टकराएगी, इसमें जब आर्मेचर बाइंडिंग से टकरा रही है, इस पर एक बल लगा रही है, आर्मेचर बाइंडिंग पर जो बल लगा रही है उसे क्या कहोगे आप लोग, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल, इसे प्रेरित वोल्टेज, यानी कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, वोल्टेज होती है, सही है। इस वोल्टेज के कारण इसके चालकों के अंदर जो आर्मेचर होते हैं, इसके चालकों में धारा प्रवाहित होने लग जाती है वोल्टेज के कारण, इसे बोलते हैं आर्मेचर धारा। कौन सी धारा बोलते हैं, आर्मेचर धारा कहा जाता है, बोलो यहां तक समझ में आ गया, बोलो क्लियर हो गया ना। अब क्या होता है, जैसे ही आपको पता है कि आर्मेचर तो यूं घूम रहा है और यहां से यूं चढ़ रहा है, बोलो दिखाई दे रहा है ना आपको, तो देखो दोस्तों ये मेन फ्लक्स है, ये मेन फ्लक्स है, कौन सा है, ये मेन फ्लक्स। अब क्या होता है कि ये ध्रुवों का चुंबकीय फ्लक्स है, मेन फ्लक्स हो गया। अब जैसे ही आर्मेचर यूं घूम रहा है, ये घूम रहा है प्रेशर के साथ में, तो जैसे ही ये वोल्टेज बनाएगा और तुम इस पर लोड लगा दोगे, क्या लगा दोगे, लोड लगा दोगे, तो आपको पता है आर्मेचर में करंट उत्पन्न हो रही है, करंट बन रही है, करंट किसके कारण बनी है, ईएमएफ के कारण बनी है, बोलो समझ में आ गया। एक बार और, जब आर्मेचर को चुंबक के ध्रुवों के मध्य घुमाया जाता है तो उसके अंदर वोल्टेज बनती है, उसे क्या बोलोगे, ईएमएफ। इस वोल्टेज के कारण इसमें करंट बनेगी, उसे क्या बोलोगे, आर्मेचर करंट बोलोगे। इसके कारण आर्मेचर में चुंबक बनेगा, किसके कारण चुंबक बना है, आर्मेचर करंट के कारण चुंबक बनेगा। अब क्या होता है, आपको पता है ना कि देखो ये तो यूं घूम रहा है और ये घूम रहा है यूं, तो आर्मेचर का चुंबक है ना, किसका चुंबक, आर्मेचर का, आर्मेचर का चुंबक, आर्मेचर जब यूं घूमेगा, ये जब यूं घूमेगा तो आर्मेचर का चुंबक देखो इससे टकराएगा, यहां प्रेशर लगाता है, कौन का चुंबक प्रेशर लगाएगा,
आर्मेचर का चुंबक लगाएगा। बोलो सही है ना, क्यों ये घूम रहा है ना। तो देखो जैसे ही ये यहाँ से घूमेगा यों, और एक यों यों भी घूमेगा, यों से यों भी तो ऊपर छटेगा ना, तो ये आर्मेचर का चुंबक एक यहाँ बल लगाएगा। सही बात है कि नहीं। तो क्या होता है कि जब आर्मेचर का चुंबक ध्रुवों के मुख चुंबक का विरोध करता है, ध्रुवों के मुख चुंबक का क्या कर रहा है, विरोध करता है और उसको नष्ट कर देता है, उसे बोलते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं? आर्मेचर प्रतिक्रिया। एक बार और देखो, जब आर्मेचर का चुंबक ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा दोस्तों? विरोध करेगा। उसे आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष कहा जाता है। उसे कौन सा दोष बोलोगे? आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष कहा जाता है। जब यहाँ से विरोध होगा तो देखो यहाँ का चुंबक नष्ट हो जाएगा। एक तो यहाँ का चुंबक नष्ट होगा, यहाँ का तो होगा नहीं, यहाँ तो बाद में प्रभाव पड़ रहा है। एक यहाँ का नष्ट हो जाएगा, इधर का, सही है ना, इधर का नष्ट हो गया ना। तो देखो ये इसका मतलब दो चुंबकीय फ्लक्स दो जगह के समाप्त हो चुके हैं। एक तो ये कोना, ये कोने का क्यों हुआ, क्योंकि आर्मेचर यूँ घूम रहा है ना, तो प्रेशर सबसे ज़्यादा जिस पर आ रहा है और ये यूँ छट रहा है, तो प्रेशर यूँ आ रहा है आर्मेचर का चुंबक का। भाई आर्मेचर का जो चुंबक होता है ना, उसका यूँ ही तो प्रेशर आएगा, यूँ ही तो जाएगा वो। एक तो इस पर जा रहा है और यूँ छट रहा है तो इस पर जा रहा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ का चुंबक समाप्त है और एक यहाँ का चुंबक समाप्त है। किसके कारण? आर्मेचर के चुंबक के कारण। आर्मेचर का चुंबक ध्रुवों के मुख चुंबक का क्या करता है? विरोध करता है। इसे आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष कहा जाता है। अब बताओ, इस दोष के कारण कुल फ्लक्स में क्या आ गई है? कमी। चुंबक घट चुका है। जब कुल फ्लक्स में कमी आएगी तो वोल्टेज का मान भी घट जाता है, टर्मिनल वोल्टेज भी घट जाती है, जनरेटर की दक्षता भी घट जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? आर्मेचर रिएक्शन बहुत अच्छा पॉइंट है, सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है डीसी जनरेटर के अंदर, बहुत कम लोगों के समझ में आता है। तो मैं एक बार और बताऊंगा दोस्तों, देखो अब बताना। देखो आर्मेचर के चुंबक का प्रभाव एक तो यहाँ पड़ रहा है और एक यहाँ पड़ रहा है। आपसे पूछे भाई यहाँ क्यों पड़ता है, ये यहाँ क्यों नहीं पड़ता, क्या कारण है? तो भाई यार ये मेरे को बताओ तो सही। आप जब आर्मेचर यूँ घूम रहा है, यूँ घूमेगा ये, तो प्रेशर इसी पे तो पड़ेगा, यूँ यूँ घूमे इस पर और एक यूँ चढ़ेगा तो यूँ चढ़ रहा तो इस पे पड़ेगा, सही है कि नहीं है? तो देखो अब आती है बात LPT। क्या आती है दोस्तों? LPT। अब याद रखना LPT में क्या होता है, चलो इसको बाद में बताऊंगा, अभी मैं केवल समझाया। देखो यहाँ का चुंबक समाप्त है, एक यहाँ का चुंबक समाप्त है, बोलो क्लियर हो गया? अब क्या होता है, यही तो पॉइंट होते हैं समझने लायक। अब देखो दोस्तों LPT क्या होती है, देखो सुनो LPT क्या, पहली बड़ी भाषा आर्मेचर प्रतिक्रिया में पहला पॉइंट, बाद में पढ़ाएंगे दोस्त को, तो पहला पॉइंट है LPT। पहला क्या है? LPT यानी कि लीडिंग पोल टिप, सही है ना, लीडिंग पोल टिप। LPT का पूरा नाम लीडिंग पोल टिप, इसे बोलते हैं अग्रगामी ध्रुव सिरा, अग्रगामी ध्रुव सिरा। बोलो सही है ना, अग्रगामी ध्रुव सिरा। अब देखो अब ये क्या होता है, अग्रगामी ध्रुव सिरा किसे कहते हैं, LPT किसे कहा जाता है? अरे मेरे दोस्तों हमेशा हर पॉइंट आता है, जबकि बहुत कम लोगों ने, मैं गारंटी ले रहा हूं, अरे 90% स्टूडेंटों ने ये चीज तो पढ़ी नहीं होगी LPT TPT क्या होता है, जबकि आप पेपरों को निकाल के देखो एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। जब भी तो कहता हूं कि बेस को क्लियर करो, अगर सिलेक्शन पर पाना चाहते हो कि मुझे नौकरी लगना है, तो यही टाइम तुम्हारा गोल्डन है कि एक एक पॉइंट को क्लियर करो दोस्तों। अब बताओ LPT यानी आगे, लीडिंग पोल टिप यानी अग्रगामी सिरा, आगे वाला सिरा। तो देखो आर्मेचर जिस दिशा में घूमता है, तो देखो यहां से घूमेगा यूं, अरे यूं घूमेगा ना, तो देखो आर्मेचर सबसे पहले इसके संपर्क में आएगा इधर, सही है। तो देखो यहां से तो यूं जाएगा यूं, और यहां से यूं उठेगा यूं, तो ये सिरे सबसे पहले संपर्क में आएंगे, सही है ना। तो आर्मेचर ध्रुव के वह सिरे जो कि आर्मेचर के साथ सबसे पहले संपर्क में आते हैं। तो देखो ये सिरा तो ये पहले आ रहा है और ये इधर से पहले आ रहा है, सही है ना। जो पहले सिरे सबसे पहले संपर्क में आते हैं आर्मेचर के संपर्क में, पहले तो ये आएगा, देखो ये तो यूं घूमेगा और ये यूं घूमेगा, अरे सही है, यूं ही तो घूमता है आर्मेचर। तो देखो मेरे दोस्त वापस, ये यूं
अब तो समझ में आ रहा है ना कितना भी वीकनेस हो, अरे दिखाई तो दे रहा है ना आपको। तो देखो ये यो, तो देखो एक तो यो घुमा और ये यो छोड़ा, तो देखो एक तो ये संपर्क में पहले आएगा, इधर से तो ये आएगा पहले, अरे इधर से तो ये आया और इधर से ये आया। तो आर्मेचर के संपर्क में ध्रुव का सिरा जो पहले संपर्क में आता है उसे बोलते अग्रगामी ध्रुव सिरा। तो देखो यह सिरा आर्मेचर के संपर्क में, देखो यह सिरा, यह सिरा सही है ना, हाँ यह सिरा, यह सिरा सॉरी, यह सिरा आर्मेचर के घूमने की दिशा में, आर्मेचर के घूमने की दिशा में, घूमने की दिशा में, घूमने की दिशा में सबसे पहले संपर्क में आता है, सबसे पहले, सबसे पहले संपर्क में आता है, बोलो सही है ना, सबसे पहले संपर्क में आता है, सबसे पहले किस में आता है, संपर्क में आता है, सही है ना। यह सिरा आर्मेचर के घूमने की दिशा में, यानी कि ध्रुव सिरा लिखेंगे, जो ध्रुव सिरा ऐसे लिखेंगे, जो ध्रुव सिरा वह ध्रुव सिरा ऐसे लिखेंगे, वह ध्रुव सिरा है ना, ऐसे परिभाषा सही बनेगी। तो देखो वह ध्रुव सिरा है ना, ये ध्रुवों के सिरे हैं, ये चुंबक के ध्रुव हैं। तो देखो वह ध्रुव सिरा जो कि आर्मेचर के घूमने की दिशा में, इधर ही घूम रहा है ना, आर्मेचर के घूमने की दिशा में सबसे पहले संपर्क में आता है उसे कहते हैं LPT लीडिंग पोल टिप। अब मेरी बात बताओ तुम लोग यार, अब यहाँ लड़के खत्म होते हैं, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, लेवल का क्वेश्चन है, तो यार एक बात बताना आप मेरे को। देखो अब यार मैं कितनी बार बता दूं, देखो चलो बार बार इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा, अब बताना यार इसको, तो बता देखो आर्मेचर यूं ही तो घूम रहा है, यूं एक इधर से यूं छड़ेगा, तो देखो सबसे ज़्यादा प्रभाव एक तो इस पर आएगा, इस पर काटेगा ये चुंबक, और एक इस पर दबाव देगा, सही है ना। तो देखो जो सबसे पहले सिरा संपर्क में आ रहा है आर्मेचर के में, ये आ रहा है इसे बोलेंगे LPT, इधर आ रहा है LPT, सही है। अब यहाँ ये विरोध कर रहा है तो यहाँ का चुंबक नष्ट होगा, यहाँ का चुंबक नष्ट होगा, सही है ना। तो बचेगा कहाँ का, देखो नीचे, नीचे पर कम प्रभाव पड़ेगा, इधर कम प्रभाव पड़ेगा, सही है ना। तो तुमसे ये क्वेश्चन SSC JN के पेपर में आ गया कि बताओ DC जनरेटर के कौन से भाग में चुंबकीय फ्लक्स सबसे अधिक होता है, चुंबकीय फ्लैक्स सबसे अधिक, यानी कि चुंबकीय फ्लैक्स घनत्व जो सबसे ज़्यादा, जो घनत्व है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो सबसे ज़्यादा को कहाँ पर है, बताओ LPT पर होती है क्या या TPT पर होती है, TPT पर, ट्रेलिंग पोल टिप, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है ध्यान रखना, यानी कि ट्रेलिंग पोल टिप यानी कि TPT पर होती है, यानी कि इस पर तो सबसे कम होती है, और LPT पर, इस पर सबसे कम होती है। यहाँ पर कम क्यों हो रही है, क्योंकि आर्मेचर का चुंबक इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो यहाँ पर तो सबसे कम और यहाँ पर सबसे अधिक, बोलो समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्वेश्चन ध्यान रखना SSC JN के पेपर में आ गया कि बताओ DC जनरेटर में कौन से भाग पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व सबसे निम्न होता है, बोलो सबसे निम्न किस पर होगा, LPT पर, यही आर्मेचर का चुंबक विरोध करता है इसका, तो सबसे कम किस पर होगा, LPT पर। ध्यान रखना एक बात और बता दूं, यही नोट लिखा दूंगा मैं आपको, DC मोटर और DC जनरेटर बार बार बोल रहा हूं मैं, दोनों मशीन एक दूसरे का उल्टा है, और तुम ये बोल रहे हो कि हमें रटने से सब कुछ याद हो जाएगा, ये आपकी गलत फहमी है, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं मुझे पता ही आपकी गलत फहमी है, क्यों, क्योंकि जनरेटर मोटर दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर तुम दोस्तों जनरेटर रटोगे ना, तो जब DC मोटर के क्वेश्चन या याद करोगे उसको भूल जाओगे, कभी सेट करके देखना, अपने आप कन्फ्यूजन है, आगे बहुत चीज़ों में कन्फ्यूजन होंगे, इसलिए उल्टा चलता है, क्यों, क्योंकि जनरेटर तो हमें सप्लाई देता है और मोटर सप्लाई लेती है, जनरेटर तो देता है और मोटर लेती है, उल्टा होगा जस्ट। अब बताओ डीसी जनरेटर के कौन से भाग में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व सबसे निम्न होगा, तो बताओ LPT पे कम है या TPT, सॉरी TPT पे कम है या LPT पे कम है, आपसे पूछे LPT पे कम क्यों आए हो, तो कह देना आर्मेचर का चुंबक सबसे पहले इसी से टकराता है, इसका विरोध इसी से टकराता है, ये तो होता है ना, इसलिए यहाँ का चुंबक समाप्त होता है दोनों का चुंबक, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो सबसे कम किस पर होगा, LPT पर, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिएगा दोस्तों सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट पॉइंट है ये, तो इसमें मैं यही नोट लगाता हूँ, तो जो नोट कैसे होता है, देखो नोट क्या होता है, जनरेटर में LPT पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बहुत मोस्ट, चुंबकीय फ्लक्स
घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। बची होगी एक दो चार पाँच दस, बहुत कम, यहाँ से सब गए, उड़ गया, यहाँ से उड़ा दिया चुंबक और एक यहाँ से उड़ा दिया है, समझ में आ गया। तो बोलो सबसे कम कहाँ होता है, एलपीटी पर, और सबसे अधिक कहाँ होगा, टीपीटी पर। लेकिन याद रखना, उल्टा उल्टा याद रखना ये चीज़ मैंने, हाँ 101% 1000% पेपर में आती है, तो तुम्हें याद किसका करना, जनरेटर का। तो कैसे याद रखना, ओ इस पे रार में चक टकरा रहा था, हाँ इस पर विरोध कर रहा था, यहाँ का चुंबक नष्ट हुआ, यहाँ का चुंबक नष्ट हुआ, यानी एलपीटी का कम हो गया ना। तो डीसी मोटर में उल्टा है, डीसी मोटर उल्टा काम करेगी, ध्यान रखना। अगर तुमने डीसी मोटर पूछे तो डीसी मोटर में एलपीटी पर सबसे ज़्यादा चुंबक रहता है। डीसी मोटर की बात पूछे, किसकी पूछे, डीसी मोटर किसका चाहिए, उल्टा होता है डीसी मोटर में। तो याद रखना, इसको नोट को यही लिखा देता हूं, याद रखना। तो अगर आपसे डीसी मोटर पूछे, क्या पूछे डीसी मोटर, उसमें इस चीज को मैं डीसी मोटर में पढ़ाऊंगा अधिकतम कैसा है उसका, ठीक है। अभी तो यहां लिखा देते कंफ्यूजन, सबसे मेन होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन उसी जगह लिखाओ जहां पर लड़के आराम से याद कर सके, समझ सके, दिमाग लगा सके, कंफ्यूजन क्वेश्चन वही होने चाहिए। तो देखो डीसी मोटर में, डीसी मोटर में एलपीटी पर, एलपीटी पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इस चीज़ को मैं बाद में मोटर में बता दूंगा, चुंबकीय फिर बहुत टाइम लग जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व सबसे अधिक होता है। मैंने क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी दिया था, जो नेक्स्ट टेस्ट था इससे पहले का, सबसे अधिक होता है, सबसे क्या होगा, ये अधिक होगा, सबसे क्या होगा, अधिक होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में, अच्छे से देखना इसको आज, ठीक है। अब देखो अगली बात आती है दोस्तों, अगला जो पॉइंट होता है वो होता है एलपीटी, टीपीटी, सॉरी क्या होता है, टीपीटी। अब देखो टीपीटी क्या चीज है, देखो टीपीटी यानी कि ट्रेलिंग पोल टिप, हाँ जी देखो ट्रेलिंग पोल टिप। अब ये क्या होता है, ये होता है पक्षगामी, जो पीछे आता है, पक्षगामी ध्रुव सिरा, पक्षगामी ध्रुव सिरा, बोलो सही है ना, पक्षगामी ध्रुव सिरा, ये क्या चीज है। तो इसमें ये क्या चीज होती है, इसको देखो, अब देखो आर्मेचर के घूमने की दिशा में, आर्मेचर के घूमने की दिशा में ध्रुव का वह सिरा जो कि बाद में संपर्क में आता है, ध्रुव का वह सिरा जो कि बाद में जो पीछे रह जाता है उसे पक्षगामी, और जो आगे संपर्क में आता है उसे अग्रगामी कहा जाता है। तो बताओ सबसे पहले संपर्क में कौन आया, ये वाला उठा तो ये वाला, और सबसे बाद में कौन आया, तो देखो यहां से यूं गया तो ये आया, फिर यहां सर का ये बाद में, यहां से ऊपर यूं उठा, यूं उठा मेरा यूं उठा तो ये बाद में, सही बात है। जो जो सिरा बाद में संपर्क में आता है उसे पक्षगामी ध्रुव सिरा, और जो पहले आता है उसे अग्रगामी ध्रुव सिरा कहा जाता है। तो देखिएगा यह सिरा, यह ध्रुव सिरा, यह ध्रुव सिरा, यह ध्रुव सिरा है ना, यह ध्रुव सिरा आर्मेचर के घूमने की दिशा में, यह ध्रुव सिरा आर्मेचर के, आर्मेचर के घूमने की दिशा में, आर्मेचर के घूमने की दिशा में, आर्मेचर के साथ है ना, आर्मेचर के साथ, आर्मेचर के साथ बाद में संपर्क में आता है, बाद में संपर्क में आता है, बोलो सही है ना, बाद में संपर्क में आता है, बोलो क्लियर हो गया, बाद में आएगा। अब देखो नोट नंबर फर्स्ट इसका क्या कह रहा है, इसको देखना, इसका नोट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बताओ। देखो यहां पर तो आर्मेचर के चुंबक ने विरोध कर दिया, अरे यहां पर तो आर्मेचर का चुंबक यहां पर इसको समाप्त कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। अब देखो सबसे अधिक चुंबक एलपीटी पर होता है, क्या टीपीटी पर, किस पर होता है, टीपीटी पर, क्यों, यहां का चुंबक नष्ट हो गया, यहां का चुंबक नष्ट हो गया तो ये बचा। तो सबसे ज्यादा डीसी जनरेटर में जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है ना, जो सबसे ज्यादा होता है वो टीपीटी पर होता है, किस पर होता है, टीपीटी यानी पक्षगामी ध्रुव सिरे पर, किस पर होता है, पक्षगामी ध्रुव सिरे पर। अब देखो आपको ये नहीं देखना, चित्र नहीं देखना, अब मेरी तरफ देखना है, देखो कैसे याद करना, वो आर्मेचर इधर घूमता है, यूं घुमा, हां यूं घुमा है ना वो, तो सबसे ज्यादा विरोध एलपीटी पर कर दिया उसने, किस पर कर दिया, एलपीटी पर कर दिया, तो यहां का चुंबक तो बहुत निम्न हो गया, और एलपीटी टीपीटी नीचे है, यहां पर कोई बहुत कम विरोध हुआ है तो नीचे चुंबक ज्यादा है ऊपर कम है, तो देखो एलपीटी पे तो ज्यादा होगा और टीपीटी, सॉरी एलपीटी पे तो कम होगा और टीपीटी पे ज्यादा होगा। बोलो क्लियर हो, एक बार और आराम से देखो
देखो दोस्तों, विरोध कहाँ हो रहा है एलपीटी पर, सही है, विरोध कहाँ हो रहा है एलपीटी पर, यहाँ का चुंबक नष्ट हो गया है और यहाँ का चुंबक भी नष्ट हो गया है, बचा क्या है टीपीटी, बचा क्या है टीपीटी, क्यों इस पर विरोध कम क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर इसी पर पड़ेगा भाई, मैं कोई चीज यूं घुमाऊंगा यूं तो सबसे ज्यादा प्रेशर इस सिरे पर पड़ेगा यूं, फिर यूं आएगी, फिर इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो इसका चुंबक ज्यादा होता है, सही है ना। तो देखो डीसी जनरेटर में याद रखना, सबसे मोस्ट है जनरेटर में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जनरेटर में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, देखना अच्छे से, जनरेटर में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व सबसे अधिक, सही है ना, सबसे अधिक, सबसे अधिक। आप जनरेटर का याद रखना बस, इसका चित्र, चित्र भी याद रखना दिमाग में, यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, ये आगे है ये पीछे है, तो आगे पे कम और पीछे पे ज्यादा बस, और मोटर में इसका उल्टा कर देना, बोलो क्लियर हो गया। अरे मोटर में क्या करना है, उल्टा अपने आप सेट हो गया दिमाग में। तो देखो जनरेटर में चुंब के फ्लक्स सबसे अधिक टीपीटी पर होता है, टीपीटी यानी कि ट्रेलिंग पोल टिप, यानी कि पश्चगामी ध्रुव सिरे, यानी कि पश्चगामी ध्रुव सिरे पर होता है, ध्रुव सिरे पर होता है, बोलो समझ में। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, जनरेटर का याद रखना है। तो देखो ये तो कम है, बहुत निम्न खाली है, ये ज्यादा है, तो देखो ऊपर का तो पहले आ रहा है ये बाद में आ रहा है, तो ऊपर एलपीटी पहले लीडिंग, तो इस पर चुंबक कम इस पर चुंबक ज्यादा, और मोटर में उल्टा कर देना, तो देखो जब जनरेटर में नीचे ज्यादा है, जब टीपीटी पर ज्यादा है मोटर में, तो जनरेटर में टीपीटी पर ज्यादा है तो मोटर में टीपीटी पर क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। अरे सही है ना। तो देखो बस उल्टा, देखो इसका दूसरा नोट क्या कहता है, उल्टा अगला चौथा नोट क्या कहता है, देखो डीसी मोटर में, डीसी उल्टी चलती है, डीसी मोटर में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत शानदार पॉइंट, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व सबसे कम, सबसे कम, बोलो सही है ना। जब यहाँ जनरेटर में ज्यादा है तो मोटर में उल्टा होगा, यहाँ सबसे कम होगा मोटर में, ये चीज मोटर पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा मैं ये चीजें, समझ में आ गया ना आपके, आप तो उल्टा याद रख लेना बस इतना याद रखना। तो देखो जनरेटर में जब टीपीटी पर सबसे ज्यादा है तो मोटर में टीपीटी पर सबसे कम होगा, तो देखो सबसे कम चुंबकीय फ्लक्स, सबसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व सबसे कम टीपीटी पर, यानी कि पश्चगामी ध्रुव सिरे पर होता है, पश्चगामी ध्रुव सिरे पर होता है, बोलो क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब एक बात बताओ, इधर देखना, अधिक होता है, अब एक बात बताना मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक बात बताओ, अगर तुम वो पेपर की बुक को हल करने में लग रहे हो, चलो माना एक चैप्टर के अंदर तुम्हें 400 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो क्या तुम सच सच बताना 400 क्वेश्चन में क्या ये सारे सारे एक जगह ऐसे सेट कर रखे हैं, आप बताओ मेरे को, ऐसे सेट हुए मिल जाएंगे क्या, कभी जीवन में ऐसे सेट हुए नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना। जब ही तो कहता हूं कि पहले आप इस चीज को समझो, और फिर मिल भी जाएंगे तो फिर तुम्हें याद नहीं होंगे, वो समझाने वाले भी चाहिए फिर उन चीजों को, हाँ चलो मान लो मिल गए, हाँ लेकिन तुम उनको लिखा हुआ को क्या करोगे, तुम तो ये बताओ मेरे को, उस लिखे हुए से क्या आएगा तुम्हारे, तुम रट जाओ तुम भूल जाओगे माँ, अगर मोटर का पूछ ले तो फिर आप तुम कंफ्यूज होंगे आप माँ, हाँ कंफ्यूज थोड़ी होना, कंपटीशन क्या कहता है, सिलेक्शन कब होता है, जब माँ गोले सही होते हैं वही सिलेक्शन दिलवाता है बस, नहीं तो यहाँ तो तुम कितने एक मैटर बुकन ने रट लो, हाँ माँ सही नहीं है तो कुछ नहीं है यार, लिख लिख के भर लो इनको, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो, अब मैं याद कराता हूँ, देखो बताना, ऊपर जनरेटर के अंदर ऊपर चुंबक कम है ध्रुव पर, वो अग्रगामी सुरा है, नीचे पश्चगामी है, इस पर अधिक है, मोटर में इसका उल्टा हो जाएगा, बोलो समझ में आ गया नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका जितना जल्दी हो सके, क्लियर हो गया ना, ले लो, रुको एक मिनट, ये मिट गया था, हाँ जी कोई मिट तो नहीं रहा, हाँ ले लो दोस्तों स्क्रीनशॉट इसका फटाफट, हाँ जी ले लिया ना, अब देखो ले लिया, अब देखो आप लोग, अब क्या होता है, आगे चलते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ ये, हाँ अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो चलते चलो, बाद में पढ़ाऊंगा आर्मेचर रिएक्शन, अभी परिभाषा चल रही है आर्मेचर रिएक्शन संबंधित परिभाषा भी तो याद रखना, हाँ। अब देखो अब क्या होता है, अब इसके अंदर जो पॉइंट आता है उसके बारे में देखते हैं अपन लोग, वो क्या पॉइंट है इसके बारे में, ये काला कैसे हो गया यार। अब देखो अगला पॉइंट है
जो पॉइंट है ना उसको बोलते हैं, याद रखना आप लोग, अगला पॉइंट है जीएनए। क्या है जीएनए? अब देखो इसमें जीएनए, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल, सही है ना दोस्तों? क्या है दोस्तों? ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल अक्षज। हाँ, जीएनए का पूरा नाम होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल अक्षज, यानी कि ज्यामितीय उदासीन अक्ष। यही लिख देते हैं, इसको बाद में समझाऊंगा, अभी मैं और अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करता रहूंगा तुम्हारा। एक्सेज है ना, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेज है। इसमें क्या होता है देखो, इसको बोलते हैं ज्यामितीय उदासीन अक्ष। तो देखो ये क्या चीज़ है, सुनना, इसको बोलते हैं ज्यामितीय, मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में, ज्यामितीय उदासीन, एक एक चीज कराऊंगा तुम्हारी मैं, उदासीन अक्ष। न्यूमेरिकल की टेंशन मत करना, मुझे पता ही है मैं इक्वेशन, मैंने आज तक ऐसे पॉइंट छोड़े नहीं, जब इनको ही करा रहा हूँ मैं, बाल बाल को उनको छोड़ दूंगा मैंने, है न्यूमेरिकल भी देखना कितने गजब तरीके से कराता हूँ। अब देखना जीएनए क्या चीज होती है, सुनो जीएनए क्या होता है। अब देखो जीएनए, ये रही जीएनए, सुनना जीएनए क्या चीज है। देखो दो ध्रुवों के मध्य से, अच्छे से देखना, ये देखो दो ध्रुव है, इनके बीचों बीच, यहाँ बीच में, तो देखो दो ध्रुवों के मध्य में खींची गई काल्पनिक रेखा, दो ध्रुवों के मध्य में खींची गई काल्पनिक रेखा, याद रखना। देखो दो ध्रुवों के मध्य में खींची गई काल्पनिक रेखा जीएनए कहलाती है, यानी कि ज्यामितीय उदासीन अक्ष कहलाता है। यह क्वेश्चन यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में आ चुका है, याद रखना, और यह क्वेश्चन तुम्हारे क्या बोलते हैं आईटी सेमेस्टर में भी आ चुका है। कई बार वो जीएनए का पूरा नाम पूछ लेता है, तो जीएनए होती है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल अक्ष होता है। तो देखिएगा अब क्या होता है, जीएनए क्या पॉइंट है आपका, जीएनए क्या है, जीएनए अब देखिएगा, यह है दो ध्रुवों के मध्य, यह है दो ध्रुवों के मध्य, केवल यह है दो ध्रुवों के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा होती है, खींची गई काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक क्या होती है, रेखा होती है। बोलो क्लियर हो गया ना, जो दो ध्रुवों के मध्य में जो ये खींची गई जो रेखा होती है काल्पनिक रेखा, उसे जीएनए कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया ना, उसे क्या बोलोगे आप लोग, जीएनए। बोलो क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा अगली बात आती है एमएनए, यूपी बिजली बोर्ड 2017 के पेपर में एमएनए का पूरा नाम पूछ लिया गया है। एमएनए क्या होती है, सुनो, अब एमएनए का नाम होता है मैग्नेटिक, क्या होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल, मैग्नेटिक न्यूट्रल, सही है ना, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष, सही है ना, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष, यानी कि चुंबकीय उदासीन अक्ष। समझ में आया ना, चुंबकीय, बोलो सही है ना, चुंबकीय उदासीन अक्ष। अब देखो चुंबकीय उदासीन अक्ष, आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है चुंबकीय उदासीन अक्ष। अब क्या चीज होती है, यहां देखो आप लोग, ये रही, अब ये देखना चुंबकीय उदासीन अक्ष किसे कहा जाता है। देखो ये चुंबकीय बल रेखाएं तो यूं चल रही है, ये ध्रुवों की, ये तो यूं गई ना, देखो मैं चुंबक तो यूं जा रहा है, अरे क्रॉस में जा रहा है ना, इसके बीचों बीच में देखो ये रेखा चल रही है अपन की, ये वाली है, तो ये तो चुंबक के ध्रुवों का एरिया, चुंबक एरिया, ये तो अपन के ध्रुवों का चुंबक है, सही है, इनके बीचों बीच ये देखो ये रही, तो देखो ये रही, हाँ तो बताओ ये इनके बीच में ये है ना, ये कितने डिग्री कोण पर है, 90 पे है ना, अरे कितने डिग्री कोण पर है, 90 पे, लंबत है ना ये, क्या है लंबत, अरे मुख चुंबकीय फ्लेक्स से, अरे लंबत है ना ये, तो ध्यान रखना ये ध्रुवों का मुख चुंबकीय फ्लेक्स है, अरे ध्रुवों का क्या है, मुख चुंबकीय फ्लेक्स है, जब ध्रुवों का मुख चुंबकीय फ्लेक्स है इसके ऊपर एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है लंबत, लंबत का मतलब 90 डिग्री पर,
एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे बोलते हैं एमएनए। क्या बोलते हैं? एमएनए। तो याद रखना, देखो दो ध्रुवों के तो मध्य में बीच में, ये सही है, दो ध्रुवों के बीच में ही तो है, लेकिन याद रखना ये दो ध्रुवों के बीच में तो है लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं के अभिलंबत, यानी कि मुख्य चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों की, उनके अभिलंबत जो खींची जाती है। और अगर अभिलंबत नहीं बोले, चुंबकीय बल रेखाओं के अभिलंबत नहीं बोले और केवल यूं बोले कि दो ध्रुवों के मध्य में खींची जाती है, उसे जीएनए कहते हैं। अब यहां क्या होता है याद रखना, इस पॉइंट पर क्या होता है, यहां पर देखो ये जो एमएनए होता है ना, ये क्या है एमएनए, आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है जो बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को, तो याद रखना, इनको रटने में लगे रहते हैं, इन्हें रटने विद्या थोड़ी चलती है। अब देखो एमएनए है ना, ये मुख्य चुंबकीय फ्लक्स से 90 डिग्री कोण पर है, इस लंबत अवस्था में होने के कारण इस एमएनए अक्ष पर ईएमएफ का मान शून्य होता है। हाँ, ईएमएफ का मान क्या होता है? शून्य। इस अक्ष पर आर्मेचर में ईएमएफ का मान शून्य होता है, जिसके कारण इस जनरेटर में स्पार्किंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है? स्पार्किंग, कम्यूटेशन दोष नहीं होता है। इसलिए कार्बन बुरुस को हमेशा एमएनए अक्ष पर रखते हैं। कौन से अक्ष पर रखते हैं? एमएनए पर। आपसे पूछ ले बता, एमएनए अक्ष पर क्यों रखा जाता है कार्बन बुरुस को? हाँ, तो उनसे बोलना, देखो कार्बन बुरुस ये रही, तो कार्बन बुरुस एमएनए अक्ष पर क्यों रखी जाती है, क्या कारण है? तो उनसे आप लोग बोलना है कि कार्बन बुरुस इस एमएनए अक्ष पर मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष, यानी कि यहां पर चुंबकीय अक्ष उदासीन होता है। उदासीन का मतलब न्यूट्रलाइजेशन, हाँ, न्यूट्रलाइजेशन होता है, यहाँ पर चुंबक काम नहीं करता है, और जिसके कारण 90 डिग्री पर होने के कारण यहाँ ईएमएफ का मान क्या होता है? शून्य। आपसे यह पूछ लेगा, बताओ डीसी जनरेटर के अंदर एमएनए अक्ष पर ईएमएफ का मान क्या होता है? अधिकतम होता है, निम्न होता है, शून्य होता है, अनंत होता है? तो बोलो क्या होएगा दोस्तों, क्या होगा? शून्य होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? एक बार और देखो, देखो मेरे दोस्तों, यह मुख चुंबकीय फ्लक्स है, यह मुख चुंबकीय फ्लक्स है, इसके लंबत, इसके 90 डिग्री कोण पर क्या है? एमएनए अक्ष है। 90 डिग्री कोण पर यहां पर क्या होता है? मैग्नेट न्यूट्रलाइजेशन होता है। मैग्नेट न्यूट्रलाइजेशन होने के कारण एमएमएफ, ये जो ईएमएफ का मान है ना, वो कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। जब यहां पर कुछ सेकंड के लिए आर्मेचर में ईएमएफ अचानक शून्य होता है, तो आर्मेचर, वो सॉरी, स्पार्किंग होती है ना, कम्यूटेशन दोष के कारण जो स्पार्किंग होती है वो इसमें कम हो जाती है। तो तुमसे पूछेगा, बताना एमएनए अक्ष पर रखने पर ईएमएफ का मान क्या होता है? बोलो क्या होएगा? सुन होगा। कार्बन बुरुस को हमेशा कौन से अक्ष पर रखा जाता है? एमएनए पर रखा जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में? आज बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। अब देखो, मजा आ रहा है ना? अब ध्यान रख, जो ये मेन चीजें हैं, अब देखो इसमें क्या होता है, सुनना। अब इसके अंदर इस अक्ष पर देखो, हां देखो, दो ध्रुवों के मध्य, यह दो ध्रुव के मध्य, यह दो ध्रुव के मध्य, सही है ना, यह दो ध्रुव के मध्य तथा मुख्य चुंबकीय बल रेखा, जो ध्रुवों का, ये जो ध्रुवों का मुख्य चुंबक होता है, तथा मुख्य चुंबकीय फ्लक्स, तथा मुख्य चुंबकीय फ्लक्स के अभिलंबत, के अभिलंबत क्या है? के अभिलंबत कोष्ठ में लिखना है, 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर काल्पनिक रेखा, 90 डिग्री पर काल्पनिक रेखा रेखा होती है, या खींची होती है, ऐसे लिखेंगे, खींची होती है ना, खींची होती, बोलो समझ में आ गई? ये भी यहाँ लिखेंगे, खींची काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा, सही है ना, काल्पनिक रेखा खिंची होती है। अब देखो, खिंची होती है। अब देखो यहाँ पर अंतर देखना आप लोग, क्या होता है यहाँ पर मेन क्या चीज़ें, देखो अगर तुमसे पूछ ले केवल यूँ दे, दो ध्रुवों के मध्य में खींची गई रेखा, केवल मध्य में, दो ध्रुवों के मध्य में खींची गई रेखा ऐसे बोले, तो जीएनए कहलाएगी। और दो ध्रुवों के मध्य में चुंबकीय बल रेखाओं के लंबत, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स के अभिलंबत खींची गई रेखा क्या कहलाती है? एमएनए कहलाती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में? अब क्या होता है, नोट क्या कहलाता, सुनो मेन नोट क्या है, इसी अक्ष पर याद रखना, इसी अक्ष पर कार्बन बुरुस को रखा जाता है। अब देखो मेन चीज क्या होती है, अब वो घुमाता है क्वेश्चन को, कंप्यूटर लेवल का बनाता है। तो देखो एमएनए पर कैसे रखेंगे, एक रॉकर आर्म होता है घुमाने वाला, रॉकर आर्म, उसकी सहायता से देखो हमेशा कार्बन बुरुस को, देखो देखो रॉकर आर्म की सहायता से, देखो आर्मेचर इधर ही तो घूम रहा है,
अरे जनरेटर यूं ही तो घूम रहा है, इस दिशा में तो घूमेगा। तो देखो आर्मेचर रॉकर आर्म की सहायता से आर्मेचर के घूमने की दिशा में, आर्मेचर के घूमने की दिशा में विपरीत दिशा भी आता है ऑप्शन में। तो देखो आर्मेचर के घूमने की दिशा में जीएनए से आगे एमएनए पर, अरे जीएनए से आगे एमएनए पर कार्बन ब्रश को रखा जाता है। तो देखो बताओ क्यों, क्योंकि यहां पर ये चुंबकीय फ्लक्स 90 डिग्री पर होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल हो जाता है, जिसके कारण ईएमएफ का मान क्या होता है, शून्य, और स्पार्किंग नहीं होती है, इसलिए इस अक्ष पर कार्बन ब्रश को रखा जाता है। बोलो क्लियर हो गया ना। तो देखिएगा इस अक्ष पर, हाँ ऐसे लिखेंगे, देखो हाँ जी ऐसे कैसे लिखूँ इसको, हाँ तो देखो ये है, देखो जन क्या लिखते हैं कि एमएनए पर, एमएनए पर सही है ना, एमएनए पर, एमएनए पर ईएम, एमएनए पर मुख, सॉरी एनए, एमएनए पर ईएमएफ का मान, ईएमएफ का मान शून्य होने के कारण, ईएमएफ का मान शून्य होने के कारण, सही है, ईएमएफ का मान शून्य होने के कारण, कम्यूटेशन के कारण, कम्यूटेशन दोष से उत्पन्न स्पार्किंग, उत्पन्न स्पार्किंग, उत्पन्न स्पार्किंग कम होने का कारण, उत्पन्न स्पार्किंग कम होने के कारण, कम होने के कारण, कम होने का रॉकर आर्म की सहायता से, अभी मैं लिख लेता हूं, रॉकर आर्म की सहायता से, ये मैंने रॉकर आर्म की सहायता से, रॉकर आर्म की सहायता से है ना, आर्मेचर के घूमने की दिशा में, आर्मेचर घूमने की दिशा में, आर्मेचर घूमने की दिशा में, आर्मेचर घूमने की दिशा में एमएनए से आगे जीएनए पर, सही है ना, एमएनए से आगे, सॉरी जीएनए से आगे, जीएनए से आगे, मजा आ रहा है ना, जीएनए से आगे एमएनए अक्ष पर, जीएनए से आगे एमएनए अक्ष पर, एमएनए अक्ष पर कार्बन ब्रश को रखा जाता है, कार्बन ब्रश को रखा जाता है, सही है ना, कार्बन ब्रश पर, कार्बन ब्रश को एमएनए पर रखा जाता है। अब देखो इस पॉइंट को देखो, दो पॉइंट आगे बता दिए, जीएनए क्या होती है, जीएनए होती है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल अक्ष, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल अक्ष क्या होता है, दो ध्रुवों के मध्य में खींची गई काल्पनिक रेखा जीएनए कहलाती है। अगला होता है एमएनए क्या होती है, एमएनए देखो, देखो दो ध्रुवों के मध्य में चुंबकीय बल रेखाओं के अभिलंबत, चुंबकीय बल रेखाओं के अभिलंबत, चुंबकीय बल रेखाओं के अभिलंबत जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है, चुंबकीय बल रेखाओं के अभिलंबत जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, एमएनए, क्या बोलोगे, एमएनए। अब देखो यहां पर लंबत होती है ना, तो इस पॉइंट पर मैग्नेट है ना, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। अब न्यूट्रलाइजेशन होने के कारण 90 डिग्री पर चुंबकीय फ्लक्स, ये रेखा 90 डिग्री पर होने के कारण, मुख चुंबकीय फ्लक्स से 90 डिग्री पर होने के कारण ईएमएफ का मान क्या होता है, शून्य होता है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ एमएनए अक्ष पर ईएमएफ का मान क्या होगा, दोस्तों शून्य होगा। यहां पर शून्य होने से जो कम्यूटेशन के कारण जो स्पार्किंग होती है ना वो कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कर्म कम हो जाती है। अब देखो दोस्तों कम होने के कारण रॉकर आर्म की सहायता से, रॉकर आर्म की सहायता से आर्मेचर के घूमने की दिशा में जीएनए से आगे, बोलो जीएनए से आगे एमएनए अक्ष पर कार्बन ब्रश को रखा जाता है। बोलो क्लियर हो गया ना, चार परिभाषाएं आर्मेचर रिएक्शन संबंधित, बोलो समझ में आ रही है ना, अच्छे से मजा आ रहा है ना, एक एक मतलब एक एक क्वालिटी समझ में आ रही है ना आपको, ठीक है दोस्तों। फटाफट इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग, हाँ जी ले लो फटाफट, हाँ जी ले लिया ना। अब देखो सुनो, अब क्या होता है इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, अभी परिभाषाएं चल रही है, अभी मेन बिंदु पे आया नहीं हूं, अभी तो देखना आप लोग क्या होता है,
अभी तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, देखो अब बताओ एक एक चीज पेपर में आती है वो सारी लिखाऊंगा मैं, आप चेक कर लेना पेपर जो पुराने ओल्ड पेपर हो तुम्हारे पास में, जो पढ़ा रहा हूं जो फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है ये जरूर चेक करें आप लोग, ये चेक करना भी जरूरी होता है। अब क्या होता है देखो, अब इसके अंदर पहली बात बता देता हूँ, एक मिनट रुको साफ कर लेते हैं इसको अपन, फिर अच्छे से और दिखेगा, सिंपल बोर्ड है ना ये। अब देखो क्या होता है, हाँ जी, अब देखो अगला जो पॉइंट होता है वो होता है कम्यूटेटर अक्ष। पहले ब्रुस अक्ष लिख देते हैं, पहले देखो ब्रुस अक्ष क्या होता है, ब्रुस अक्ष, ये ब्रुस अक्ष क्या चीज है देखो, यानी कि कार्बन ब्रुस, यानी कि ब्रुस के मध्य से, ब्रुस के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को ही ब्रुस अक्ष कहा जाता है, जो ब्रुस के बीच से गुजरेगी, ब्रुस के मध्य से गुजरेगी। हाँ तो देखो, हाँ दोस्तों ये आर्मेचर है, ये कम्यूटेटर रहा, ये कार्बन ब्रुस रही, इसके मध्य से जो काल्पनिक रेखा खींची जाएगी, ब्रुस के मध्य से गुजरने वाली, ब्रुस के मध्य से गुजरने वाली, कार्बन ब्रुस के मध्य से जो जो गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी वो क्या कहोगे तुम, ब्रुस अक्ष। क्या कहोगे दोस्तों, ब्रुस अक्ष कहते हैं उसको, क्या कहोगे दोस्तों, ब्रुस अक्ष कहते हैं, क्या कहोगे आप लोग, ब्रुस अक्ष कहते हैं, सही है ना। अब देखिएगा, अब क्या होता है कि यह रेखा ब्रुस के मध्य से गुजरती है, यह रेखा ब्रुस के मध्य से गुजरती है, कहाँ से गुजरेगी, ब्रुस के मध्य से गुजरती है, सही है ना दोस्तों, किससे गुजरेगी, ब्रुस के मध्य से गुजरती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगली बात आती है दोस्तों कम्यूटेटर अक्ष, ये होता है कम्यूटेटर अक्ष, याद रखना ये क्या होता है, कम्यूटेटर अक्ष। अब देखो कम्यूटेटर अक्ष क्या होता है, यह क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर में है, कम्यूटेटर अक्ष होता है ना, यह क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर में है। यह क्या होता है देखो, कार्बन ब्रुस के तो मध्य से, कार्बन ब्रुस के मध्य से अगर तुमसे ऐसे दे, कार्बन ब्रुस के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो यह तो ब्रुस अक्ष कहलाएगा। अगर तुमसे पूछे कि यानी कार्बन ब्रुस के तो मध्य से परंतु आर्मेचर के अक्ष से, यानी कि कार्बन ब्रुस के तो बीच में से और आर्मेचर के बिल्कुल स्पर्श करके निकलती है बाहर, यानी आर्मेचर के अक्ष से निकलती है, आर्मेचर से बगल से टकराती है, उसे बोलते हैं कम्यूटेटर अक्ष। यानी कि कार्बन ब्रुस के मध्य से तथा आर्मेचर के अक्ष से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को याद रखना दोस्तों, कम्यूटेटर अक्ष कहा जाता है। और यह क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर में आ चुका है, दिल्ली मेट्रो कौन से पेपर में आया, ये 16 के पेपर में आ चुका है, दिल्ली मेट्रो कौन से पेपर में आया, 16 के पेपर में आ चुका है। तो देखो यह रेखा कार्बन ब्रुस के मध्य से, कार्बन ब्रुस के मध्य से तथा सही है ना, कार्बन ब्रुस के मध्य से तथा आर्मेचर के अक्ष से नोट कर लेना, बिल्कुल छाप लेना इसको, आर्मेचर के अक्ष से गुजरती है, आर्मेचर के किससे गुजरेगी दोस्तों अक्ष से गुजरती है। बोलो क्लियर हो गया, आर्मेचर के किससे गुजरेगी दोस्तों, अक्ष से गुजरती है, इसे क्या बोलोगे दोस्तों, कम्यूटेटर अक्ष बोलोगे। बोलो समझ में आ गया ना, बोलो क्लियर हो गया ना, मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में, बेस्ट क्वालिटी मिल रही है ना। अब देखिएगा अब क्या होता है, अरे यार बहुत टाइम हो गया, अब देखो अब क्या होता है इसके अंदर, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी, हाँ जी ले लिया, क्लियर समझ में आ गया ना। अब देखो अगला जो पॉइंट है, अब है तुम्हारी परिभाषा, क्या है दोस्तों परिभाषा, अब चलेगी अपनी परिभाषा चलेगी, अब देखना आर्मेचर रिएक्शन होती क्या है, आर्मेचर रिएक्शन ये होती क्या है, इसको देखो आप लोग, आर्मेचर रिएक्शन ये देखिएगा, आर्मेचर रिएक्शन होती क्या है, तो देखो सुनो, जब आर्मेचर होता है ये वाला, दोबारा समझो ये वाला, ये आर्मेचर है, ये क्या है आर्मेचर है, ये चुंबक के ध्रुव हैं, ये चुंबक के क्या है ध्रुव हैं। तो देखो जब आर्मेचर को घुमाया जाता है तो इसके द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं कटती है, इसमें क्या उत्पन्न होता है ईएमएफ के कारण वोल्टेज और वोल्टेज के कारण करंट बनती है। तो देखो आर्मेचर ऐसे घूम रहा है ना, सही है ना, और ये ऐसे यहाँ से यूँ चला, तो देखो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स ऐसे यहाँ टकराएगा और एक यहाँ टकराएगा, सही बात है ना, जो चुंबक के ध्रुवों का जो
चुंब के फ्लैक्स है उसे मुख चुंब के फ्लैक्स कहते हैं। तो देखो आर्मेचर का चुंबकीय फ्लैक्स, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लैक्स ध्रुवों के मुख चुंब के फ्लैक्स का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध, उसको नष्ट कर देता है, उसे आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष कहा जाता है। एक बार और देखो, जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लैक्स, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लैक्स ध्रुवों के मुख चुंब के फ्लैक्स का क्या करता है, विरोध करता है। यहाँ से देखो ये खत्म कर दिया, यहाँ से ये खत्म कर दिया। जब मुख चुंब के फ्लैक्स, ये रही ध्रुवों का, ये मुख चुंब के फ्लैक्स होता है, मैंने समझाया आपको। तो देखिएगा आर्मेचर का चुंबकीय फ्लैक्स ध्रुवों के मुख चुंब के फ्लैक्स का विरोध कर देता है, इसे आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष कहा जाता है। तो देखिएगा इसे क्या कहते हैं दोस्तों, आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष, सही है ना। तो देखो फटाफट लिखते हैं, तो देखिएगा जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लैक्स, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लैक्स, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लैक्स, सही है ना, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लैक्स ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लैक्स, ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लैक्स, सही है ना, ध्रुवों के मुख चुंबकीय फ्लैक्स का विरोध करता है, का विरोध करता है, का क्या करता है दोस्तों, विरोध करता है। बोलो क्लियर हो गया, क्या करता है, विरोध करता है, तथा उसकी समानता नष्ट कर देता है, तथा उसकी समानता नष्ट कर देता है, समानता नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, सही है ना, नष्ट कर देता है। बोलो क्लियर है ना, समानता को नष्ट कर देता है, उसे उसे आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष कहते हैं, उसे आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष कहते हैं, सही है ना, उसे आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना, अब तो नहीं घबराओगे ना कभी भी। देखो भाई साहब, आप देखो, जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लैक्स, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लैक्स ध्रुवों के मुख चुंब के फ्लैक्स का क्या करता है, विरोध करता है, और उसकी उसकी चुंबकता को नष्ट कर देता है, इसे आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष कहते हैं। अब बताओ इसके कारण मशीन में हानि क्या क्या होगी, आपसे पूछना चाहता हूं। तो देखो जब ये चुंबकीय फ्लैक्स नष्ट हो चुका है, चुंबक नष्ट हो गया, तो बताना, देखो चुंबकीय फ्लैक्स में कमी आ जाती है, प्रेरित वोल्टेज का मान घट जाएगा, सही है, मशीन की दक्षता घट जाएगी, और मशीन की आयु भी क्या होगी दोस्तों, घट जाएगी। तो देखिएगा आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष के कारण हानि, तो देखो आर्मेचर प्रतिक्रिया दोष के कारण हानि, यही है ना, दोष के कारण हानि, बोलो यही है ना दोस्तों, दोष के कारण हानि, दोष के कारण, मजा तो आ रहा है ना, देखो दोष के कारण हानि। अब देखो ये हानि क्या क्या है, बताओ कुल फ्लैक्स में क्या आ गई है कमी, कुल फ्लैक्स में क्या आ गई है कमी। तो देखो पहली, मुख कुल फ्लैक्स में कमी आ जाती है, बोलो सही है ना। अगला देखो, अगला क्या होता है, जो चुंबक के ध्रुव होते हैं ना, ये आधा विचुंबकित हो गया ना, तो चुंबक के ध्रुव विचुंबकित हो जाते हैं। दूसरा देखो, चुंबक के ध्रुव बहुत कम लोग इतना जानते, इतने डिटेल से आज तक तुमने पढ़ी नहीं होगी आर्मेचर रिएक्शन क्रिया, कहीं भी दावे के साथ कहता हूं, बहुत कम जानते हैं। देखो चुंबक के ध्रुव विचुंबकित हो जाते हैं, विचुंबकित हो जाते हैं, अभी तो चल रहे हैं अपन, सही है ना। बता कुल फ्लैक्स में कमी आएगी, प्रेरित वोल्टेज का मान घटेगा, प्रेरित वोल्टेज घट जाती है, बोलो क्लियर है ना, प्रेरित वोल्टेज क्या होगी, घटेगी। तो बताओ दोस्तों आयु क्या होगी, घटेगी ना, आयु घटती है, बोलो सही है ना, आयु क्या होगी, घटेगी। चौथ पांचवी होती है दक्षता घटती है, दक्षता क्या होएगी, घटेगी ना, बोलो समझ में आ गया ना। तो बताओ दोष के कारण हानि, हानि बताओ दोस्तों,
कुल फ्लेक्स में क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी। ये चुंबक के ध्रुव विचुंबकित हो जाते हैं, कुल फ्लेक्स में कमी आने के कारण वोल्टेज घट जाती है, आयु कम हो जाती है मशीन की, चलने में दक्षता घट जाती है। बोलो समझ में आया ना, क्लियर हो गया, छापो फटाफट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हाँ जी ले लिया ना, क्लियर हो गया ना, आगे पढ़ाऊँ फिर देखो। अब देखिएगा, अब इसमें क्या होता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया के जनरेटर में दो प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। बोलो कितने प्रकार के, दो प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। बोलो जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कितने प्रभाव, दो प्रभाव। तो देखो आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव, आर्मेचर प्रतिक्रिया के क्या चल रहा है दोस्तों, प्रभाव। अब दो प्रभाव प्रयोग होते हैं और वो दो प्रभाव कौन कौन से, तो देखो पहला होता है डीमैग्नेटाइजिंग। क्या होता है डीमैग्नेटाइजिंग, यानी कि आर्मेचर प्रतिक्रिया का विचुंबकीय प्रभाव, डायमैग्नेट। क्या होता है डायमैग्नेट या डीमैग्नेटाइजिंग बोल सकते हो इसको, तो ध्यान रखना पहला होता है इस आर्मेचर प्रतिक्रिया का डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव, यानी कि पहला आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव पहला लिखेंगे डीमैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग सही है ना, डीमैग्नेटाइजिंग, या इसको बोल सकते हैं, इधर ही लिख देता हूं, चलो इसको मैं डीमैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग सही है ना, डीमैग्नेटाइजिंग या डायमैग्नेट, डाया मैग्नेट क्या दोस्तों, डाया मैग्नेट इसे बोलते हैं, डाया मैग्नेट अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय सही है ना, या विचुंबकीय, क्या दोस्तों अनुचुंबकीय या विचुंबकीय, क्या दोस्तों अनुचुंबकीय या विचुंबकीय, ये क्या चीज होती है। तो जब देखना, जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लेक्स, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लेक्स मुख्य ध्रुवों के चुंबकीय फ्लेक्स का विरोध करता है, उसका विपरीत दिशा में विरोध करता है, जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लेक्स ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लेक्स का विरोध करता है, उसे आर्मेचर प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव बोलोगे, डीमैग्नेटाइजिंग, यानी कि इसे बोला जाता है आर्मेचर प्रतिक्रिया का विचुंबकीय प्रभाव। एक बार और देखो, एक बार और देखिएगा, बताइएगा इस डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव बताइएगा। तो मैं बोल रहा हूं जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लेक्स ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लेक्स का विरोध करता है, ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लेक्स की विपरीत दिशा में कार्य करता है, कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसे बोलते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया का विचुंबकीय प्रभाव। अब बताना, चलो पहले परिभाषा लिखते हैं, तो देखिएगा इसमें, देखो इसमें क्या लिखते हैं, इसमें आर्मेचर का चुंबकीय फ्लेक्स, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लेक्स, कई बार क्वेश्चन आ चुका है आर्मेचर का चुंबकीय फ्लेक्स, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लेक्स, मजा तो आ रहा है ना, इसमें आर्मेचर का चुंबकीय फ्लेक्स ध्रुवों के मुख चुंबकीय फ्लेक्स, ध्रुवों के मुख चुंबकीय फ्लेक्स सही है ना, ध्रुवों के मुख चुंबकीय फ्लेक्स के विपरीत दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है अर्थात उसका क्या करता है, विरोध करता है, अर्थात अर्थात उसका, अर्थात उसका विरोध करता है, अर्थात उसका विरोध करता है, अर्थात उसका क्या करेगा दोस्तों, विरोध करता है, क्या करता है, विरोध करता है। जब ये विरोध करेगा ना, मुख फ्लेक्स का विरोध करेगा, तो कुल फ्लेक्स की क्या आएगी, कमी। तो प्रति ध्रुव चुंबकीय फ्लेक्स का मान घटेगा, जब प्रति ध्रुव चुंबकीय फ्लेक्स घटेगा ना, जब विरोध होगा तो चुंबकीय फ्लेक्स घटेगी, जब चुंबकीय फ्लेक्स घटेगी ना, तो बताओ वोल्टेज का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो तुमसे पूछ लेगा वो कि बताओ डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर प्रतिक्रिया के डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव के कारण क्या होता है, तो यूं बोलेगा चुंबकीय फ्लेक्स घटता है, वोल्टेज बढ़ती है, वोल्टेज घटती है, चुंबकीय फ्लेक्स बढ़ता है, उल्टा बोलेगा वो। हां तो बताओ कुल फ्लेक्स की कमी आएगी तो वोल्टेज में भी कमी होगी, सही बात है कि नहीं। तो देखिएगा
इस प्रभाव के कारण प्रति ध्रुव फ्लेक्स का मान कम हो जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? मान कम हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया ना? क्या हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है। जिससे, अरे समझ में आ रहा है ना, जिससे याद रख जो, जिससे प्रेरित ईएमएफ का मान भी कम हो जाता है। प्रेरित ईएमएफ का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया ना? प्रेरित ईएमएफ का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। बोलो समझ में? अब देख रहे हैं, वापस बोलो। डीमैग्नेटिंग प्रभाव क्या होता है? डीमैग्नेटाइजिंग, जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। जब विरोध करेगा तो यहाँ चुंबक के ध्रुवों में चुंबकीय फ्लक्स की कमी आएगी। जब चुंबकीय फ्लक्स की कमी आएगी ना, तो प्रेरित वोल्टेज का मान भी क्या होगा? कम होगा। तो याद रखना, जब प्रेरित वोल्टेज कम हो जाती है ना, तो जनरेटर के अंदर जो पावर फैक्टर होता है, तो इसमें पावर फैक्टर तो चलेगा नहीं। अल्टरनेटर में पावर फैक्टर काम आता है। अल्टरनेटर में डीसी सप्लाई पर पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। लेकिन मैं ये चीज अल्टरनेटर में बताऊंगा, लेकिन यहां चीज इसलिए लिखानी जा रही है ताकि तुम्हें क्या रहे। तो अल्टरनेटर वो एसी जनरेटर होता है और ये डीसी जनरेटर है। तो अल्टरनेटर के अंदर इस प्रभाव के कारण जब ईएमएफ का मान कम हो रहा है ना, क्रिया तो एक ही होती है दोनों जनरेटर में। जब ईएमएफ का मान कम होता है ना, पीछे जाता है ईएमएफ, पीछे कम हो गया, पीछे गया, तो पावर फैक्टर लैगिंग होता है। सुन लैगिंग यानी कि सुन पक्षगामी। तो तुमसे पूछ लेगा वो कि बताओ अल्टरनेटर में डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव के कारण पावर फैक्टर का मान क्या होता है? पक्षगामी, पीछे घट गया ये। ठीक है, यही नोट लिखा देता हूँ ना, यहाँ अच्छा समझ में आएगा ना। यही लिखा देते हैं जो कमी है, जो तो कर लोगे ना आप। तो देखो नोट लिखाता हूँ, देखो याद रखना। अल्टरनेटर को बोलते हैं एसी जनरेटर। अल्टरनेटर में इस प्रभाव के कारण, डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव के कारण यानी कि विचुंबकीय प्रभाव, सबसे मोस्ट विचुंबकीय प्रभाव के कारण, ये ऐसे क्वेश्चन मेरे पास में कम से कम बता रहा हूँ 40-50 क्वेश्चन है सिस्टम के पूरे। अल्टरनेटर में समझाऊंगा, इसमें इसका काम नहीं है। मैं एक एक क्वेश्चन आर्मेचर रिएक्शन के, महा पावर फैक्टर के और वोल्टेज रेगुलेशन के, धनात्मक ऋणात्मक क्या होगी, सब अल्टरनेटर में है। अल्टरनेटर में बीच चुंबकीय प्रभाव के कारण पावर फैक्टर सुन लैगिंग, सुन लैगिंग 90 डिग्री का कौन होता है ना, सुन लैगिंग कोष्ट में लिखो पक्षगामी होता है। कौन सा होता है? पक्षगामी होता है। बोलो क्लियर हो गया? बोलो समझ। जो नेक्स्ट पॉइंट है ना इसका, दूसरा प्रभाव क्या होता है? जो दूसरा प्रभाव है इसका वो है, अच्छे से देखो आप लोग, वो है क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। कौन सा है? देखो क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। अब देखो क्रॉस चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ये मैन क्रॉस चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो देखिएगा कि जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स मुख्य ध्रुवों के चुंबकीय फ्लक्स को 90 डिग्री के कोण पर प्रभावित करता है, यानी कि जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स मुख्य ध्रुवों के चुंबकीय फ्लक्स का 90 डिग्री कोण पर विरोध करता है, 90 डिग्री कोण पर क्या करता है? विरोध करता है, उसे बोलते हैं क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। और ये जो विरोध होगा ना, ये 180 डिग्री कोण पर होता है, ध्यान रखना, कहीं पूछ ले तो। ये जो प्रभाव होता है डायमैग्नेटिंग, ये जो विरोध होगा वो 180 डिग्री के कोण पर होगा, और ये कितने पर होगा? 90 डिग्री के कोण पर होता है। तो क्या लिखते हैं कि ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लक्स को 90 डिग्री कोण पर प्रभावित करता है,
90 डिग्री कोण पर क्या करता है, प्रवाहित करता है, क्या करता है, प्रवाहित करता है, क्या करता है, प्रवाहित करता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का कितने डिग्री पर विरोध करता है, 90 डिग्री कोण पर विरोध करता है, उसे क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। जो 180 डिग्री के कोण पर विरोध करता है उसे बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव। इनके मैं क्वेश्चन लिखा दूंगा बाद में, ठीक है। अब क्या होता है, प्रभावित करता है, तो ध्यान रखना डीसी जनरेटर के अंदर, डीसी जनरेटर के अंदर अब ध्रुवों की दो अवस्थाएं चलती है, एक तो चलती है सैचुरेशन और एक चलती है असैचुरेशन यानी अनसैचुरेशन, यानी कि एक तो संतृप्त अवस्था और एक संतृप्त अवस्था और एक होती है असंतृप्त अवस्था। संतृप्त अवस्था वह होती है जब चुंबक के ध्रुव मुख्य रूप से चुंबकित बन जाते हैं, बिल्कुल फुल चुंबक हो जाता है, इसे संतृप्त अवस्था। और जब चुंबक कुछ रह जाता है, चुंबक पूर्ण रूप से चुंबक नहीं बन पाते हैं, उसे बोलते हैं असंतृप्त अवस्था। तो ध्यान रखना जनरेटर के अंदर ये चुंबक के ध्रुव होते हैं ना, चुंबक के ध्रुव होते हैं, यह शुरू शुरू में प्रारंभ में पूरे तो चुंबक बन नहीं पाते हैं, तो उसे बोलते हैं असंतृप्त अवस्था, धीरे धीरे फुल चुंबक बनेगा। तो प्रारंभ में डीसी जनरेटर के अंदर प्रारंभ में जो आर्मेचर प्रतिक्रिया का जो प्रभाव होता है वो कौन सा होता है, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव होगा प्रारंभ में, कौन सा होगा, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव असंतृप्त अवस्था पर। कौन सी अवस्था पर, असंतृप्त अवस्था पर। तो देखिएगा दोस्तों, तो याद रखना और यह प्रभाव, यह प्रभाव सही है ना, यह प्रभाव हमेशा, यह प्रभाव हमेशा सही है ना, यह प्रभाव हमेशा ध्रुवों के, ध्रुवों की असंतृप्त, ध्रुवों की असंतृप्त, ध्रुवों की असंतृप्त, याद रखना ध्रुवों की कौन सी दोस्तों, असंतृप्त, ध्रुवों की कौन सी दोस्तों, असंतृप्त, यानी कि ध्रुवों की असंतृप्त, यानी कि याद रखना इसमें जो असंतृप्त अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है, असंतृप्त अवस्था, असंतृप्त यानी कि एस ए टी यू यानी कि जो असंतृप्त अवस्था होती है ना, कौन सी अवस्था होती है, असंतृप्त अवस्था होती है, यह है, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, असंतृप्त अवस्था यानी कि अनसैचुरेशन, क्या अनसैचुरेशन होती है ना, असंतृप्त अवस्था, असंतृप्त अवस्था सही है ना। तो यह प्रभाव ध्रुवों की असंतृप्त अवस्था पर, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, बोलो क्लियर हो गया, असंतृप्त अवस्था पर क्या होता है दोस्तों, उत्पन्न होता है, असंतृप्त अवस्था पर क्या होता है दोस्तों, उत्पन्न होता है। अब देखो दोस्तों, अब क्या है, ये क्या हो रहा है यार, ऐसे सही है ना, ऐसे सॉरी है ना, देखो सही है। अब क्या होता है, असंतृप्त अवस्था पर उत्पन्न होता है अनसैचुरेशन, कौन सी दोस्तों, अनसैचुरेशन यानी कि असंतृप्त अवस्था पर उत्पन्न होता है। अब याद रखना इस प्रभाव के कारण अल्टरनेटर में पावर फैक्टर का मान इकाई होता है, इस प्रभाव के कारण अल्टरनेटर में पावर फैक्टर का मान क्या होगा, इकाई होता है। तो यहाँ नोट लगेगा, याद रख जो, यहाँ नोट है कि अल्टरनेटर में, अल्टरनेटर में इन चीज़ों को मैं अल्टरनेटर में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ लिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, भूले नहीं आप लोग, अल्टरनेटर में इस प्रभाव के कारण, इस प्रभाव के कारण पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का मान, पावर फैक्टर का मान इकाई होता है, क्या होता है, इकाई, इकाई होता है,
बोलो क्लियर हो गया ना। तो बताओ आर्मेचर प्रतिक्रिया के कितने प्रभाव डीसी जनरेटर में उत्पन्न होते हैं? दो प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पहला कौन सा है? डीमैग्नेटाइजिंग या डायमैग्नेट, उसे बोलते हैं अनुचुंबकीय या विचुंबकीय। ये क्या होता है? जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स मुख्य ध्रुवों के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, मुख्य ध्रुवों के चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगा दोस्तों? विरोध करता है या विपरीत दिशा में कार्य करता है? मुख्य ध्रुवों के चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, दिशा में कार्य करता है। इस प्रभाव के कारण ध्यान रखना, ध्रुवों के कुल चुंबकीय फ्लक्स में क्या आती है? कमी। प्रेरित ईएमएफ का मान घट जाता है। बोलो क्लियर हो गया? अब याद रखना, अल्टरनेटर में इस प्रभाव के कारण पावर फैक्टर का मान क्या होता है? लैगिंग, यानी कि पक्षगामी होता है। पक्षगामी क्यों हुआ? क्योंकि कुल फ्लक्स में कमी आ गई है। कुल फ्लक्स में क्या आ गई है? कमी आ गई है। इसके कारण पावर फैक्टर का मान पक्षगामी हो गया है। बोलो क्लियर हो गया? अगला, जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स मुख्य ध्रुवों के, जो ध्रुवों के मुख्य चुंबकीय फ्लक्स को 90 डिग्री पर प्रभावित करता है, इसे बोलते हैं क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। याद रखना, अल्टरनेटर में क्रॉस चुंबकीय प्रभाव इकाई पावर फैक्टर पर होता है, यानी कि पावर फैक्टर का मान क्या होता है? इकाई। अल्टरनेटर की बात चल रही है, ठीक है, इसको चीज को मैं पढ़ाऊंगा। अगली बात याद रखना, अनसैचुरेशन अवस्था पर, यह क्वेश्चन तुमसे वो 101% पूछेगा। याद रखना कि बताओ डीसी जनरेटर के अंदर याद रखना क्रॉस चुंबकीय प्रभाव है ना, जो डीसी जनरेटर में ध्रुवों की असंतृप्त अवस्था यानी कि अनसैचुरेशन अवस्था है वो डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कौन से प्रभाव पर उत्पन्न होता है? चुंबकीय प्रभाव या क्रॉस चुंबकीय प्रभाव या डायमैग्नेटिक? बोलो किस पर होगा? क्रॉस चुंबकीय प्रभाव पर असंतृप्त अवस्था होती है, और असंतृप्त अवस्था पर पावर फैक्टर का मान क्या होता है? इकाई होता है। बोलो क्लियर हो गया ना? तो दोस्तों बताओ आर्मेचर प्रतिक्रिया के कितने प्रभाव उत्पन्न होते हैं? दो होते हैं। पहला कौन सा पढ़ाया आपने? डीमैग्नेटाइजिंग, और दूसरा पढ़ा है क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। अब देखो दोस्तों, क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है, इतना फिर लड़कों के आगे समझ में नहीं आएगा, तो मैं ये जो अगली क्लास है, जो कल आपको मॉर्निंग में 7 बजे हम मिलेंगे वापस, और इस पॉइंट को आगे कल कंप्लीट करेंगे, इसका अपन निवारण करेंगे कल। निवारण भी बहुत अच्छे हैं इसके, फिर इसके क्वेश्चन बताऊंगा मैं, फिर अपन क्वेश्चन भी हल करेंगे इसके, ठीक है दोस्तों? आप मेरे साथ बने रहिएगा लखेरा टेक्निकल चैनल पर, और जितने भी दोस्त हैं उनसे ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, और मज़ा आ रहा है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, कल फिर मॉर्निंग में मिलते हैं। बाय, गुड लक।